नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। पेपर लीक मामले में नया मोड, सीसीटीवी ऑपरेटर बोला प्रिंसिपल से नहीं हुई थी कोई बात, पहले भी कई बार कर चुका है कैमरों को ठीक। खरखेदे के बॉयज स्कूल में मचा हुआ हड़कंप, क्योंकि एक आरोपी उसे स्कूल का जिस पर आरोप है पर्चियां उसने भिजवाई, उसकी भी जमानत याचिका हो चुकी है खारिज। फास्ट सर्विस के चक्कर में रिसेट हुई थी डीवीआर, वो डाटा रिकवर हो सकता है। अगर कोई मंशा होती तो अपनी वीडियो नहीं छोड़ता, सीसीटीवी मैकेनिक ने दिया बयान। लैब्स रिकवर डाटा करेगा प्रिंसिपल व फोर्थ क्लास का रोल। प्रिंसिपल बोली, नकल से दूर दूर तक नाता नहीं, पर्चिया केंद्र के बाहर पकड़े उनको बेवजह मामले में घसीटा गया। सीसीटीवी ऑपरेटर बोला प्रिंसिपल से सीसीटीवी फुटेज के बारे में नहीं हुई थी कोई बात। प्रिंसिपल बोली, बोर्ड की फ्लाइंग सहित सभी फ्लाइंग ने पीसफुल माहौल लिख कमेंट दिए थे। पुलिस प्रशासन से की थी मांग, डाटा रिकवर तक जल्द जाँच हो पूरी ताकि उनकी बेगुनाही आए सामने। परीक्षा केंद्र के बाहर नकल की पर्चियां मिलने पर बोर्ड फ्लाइंग के एक मेंबर द्वारा महिला को पर्चियां सहित परीक्षा केंद्र के अंदर लाने व बोर्ड के अधिकारियों की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराने के मामले में प्रिंसिपल व ऑपरेटर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि फुटेज डिलीट करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, न ही इस बारे में कोई बातचीत हुई थी, केवल स्टाफ के अन्य सदस्यों से मैकेनिक की बात हुई थी कि जैसे तैसे करके सभी कैमरों को एक्टिवेट किया गया। पेपर लीक मामले में सीसीटीवी कैमरा मैकेनिक ने खुलासा किया है कि स्कूल के सीसीटीवी के सभी कैमरों को एक्टिवेट करने के लिए फास्ट सर्विस के चक्कर में कैमरों को रिसेट किया गया था। इस मामले में उनकी प्रिंसिपल से कोई बात नहीं हुई थी। स्टाफ सदस्य ने उस दिन वह पहले भी सभी कैमरों को वर्किंग करने के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ पर बंदर सप्ताह की एक दो वायरों को काट देते हैं जिससे कैमरे खराब हो जाते हैं, इसलिए वे बार बार स्कूल में जाकर कैमरों की वायरिंग को ठीक करते हैं। वैसे भी सारा डाटा वापस आ जाएगा जिससे पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी और नकल का कोई रोल नहीं है। उधर दूसरी तरफ खरगुदा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने बोर्ड के मेंबर की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कहा कि पर्चियाँ परीक्षा केंद्र के बाहर मिली थी, जिन्हें संबंधित बोर्ड मेंबर जानबूझकर प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर आए और उनका नाम भी इस मामले में घसीट दिया। सीसीटीवी के कैमरों की वायर खरखेदा में कटती रहती है, इसलिए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर से स्टाफ द्वारा उन्हें ठीक कराया जाता है। इस बार भी बोर्ड की फ्लाइंग के कहने पर ही कैमरों को ठीक करवाया गया था, क्योंकि कई कैमरे काम नहीं कर रहे थे। प्रिंसिपल का इस मामले में कोई रोल नहीं है, ना ही प्रिंसिपल का नकल से कोई वास्ता है। सीसीटीवी का डेटा रिकवर होने के बाद उनकी बेगुनाही खुद ब खुद साबित हो जाएगी, क्योंकि नकल संबंधित मामले वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में शामिल नहीं है। वे निरंतर मानसिक परेशानी झेल रही हैं, वे चाहते हैं कि जल्द जांच हो व सीसीटीवी से जुड़ी सारी सच्चाई सामने आए। प्रिंसिपल नीलम का कहना है कि उन पर जो सीसीटीवी फुटेज संबंधित आरोप लगाते हुए मामले में शामिल किया गया है वे बेबुनियाद हैं, जिसके कारण वे मानसिक परेशानी से जूझ रही हैं। अब तक की ये है अपडेट। पेपर लीक मामले में जिस मिड डे मील महिला कर्मी के पास पर्चियां मिली थी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके बयान दर्ज कर लिए हैं, जिसने एक रसायन अध्यापिका को फोन आने पर पर्चियां लाने की बात कही है। हालांकि बताया जा रहा है कि वह अध्यापिका उस दिन स्कूल में नहीं थी। अध्यापिका व एलए ने अग्रिम जमानत लगाई थी जो खारिज हो चुकी है। पुलिस ने डीवीआर की हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, जिसका डाटा रिकवर होना है, जिसके आधार पर प्रिंसिपल व एक स्टाफ सदस्य अमित करोल सामने आना है। अगर उस फुटेज में कोई नकल संबंधी जुड़ाव स्टाफ का सामने नहीं आया तो प्रिंसिपल स्टाफ केस से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि केस दो भागों में चला हुआ है, जिसमें एक भाग नकल पर्ची व दूसरा भाग सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा है। अब तक कोई भी तथ्य ये सामने नहीं आया कि प्रिंसिपल व अमित का नकल में कोई रोल है। जांच अधिकारी अशोक कुमार का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है, जांच के लिए आरोपियों को नोटिस दिए गए हैं। डीवीआर की हार्ड डिस्क का डेटा रिकवर कराया जाएगा ताकि प्रिंसिपल व अन्य स्टाफ सदस्यों के रोल के बारे में पता चल सके। जल्द ही डीवीआर को लैब में भेजा जाएगा। आगे क्या होगा? जिस अध्यापिका का व एलए की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट में खारिज हो चुकी है वे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं, वहां से जमानत ले सकते हैं। उधर दूसरी तरफ पुलिस ने नोटिस भेज दिए हैं, अब पुलिस गिरफ्तार कर जांच में शामिल करेगी। जिस तरह से एक आरोपी मूर्ति की जाँच में शामिल किया था, इस मामले में गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना है जो पुलिस दे चुकी है। मैं आपको 20 अप्रैल 2022 को जो घटना हुई थी उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये घटना हमारे स्कूल कैंपस के बाहर हुई थी। इसमें मिड डे मील वर्कर थी जो बाहर किसी वजह से जा रही थी और कोई अचानक से उनको कुछ दे के गया। देखिए, ये विद्यालय परिसर से बाहर का मामला है और बोर्ड फ्लाइंग ने उनको विद्यालय परिसर से बाहर स्लिप लेते हुए देखा है, तो इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। एज कंट्रोलर मेरा जो काम है वो पीसफुल कैंपस रखना है और वो बिल्कुल था। इसके लिए हमने एसएचओ साहब को लिखा, एसडीएम साहब को लिखा और एसएचओ साहब ने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया। डेली यहाँ पर पुलिस आती थी,
काफ़ी संख्या में पुलिस आती थी और इसका अच्छा परिणाम ये था कि जो भी बोर्ड की फ्लाइंग आती थी उनके जो कमेंट होते थे हमारे लिए वो पीसफुल ओपनिंग, पीसफुल क्लोजिंग। पुलिस ने हमें इतने अच्छे से कोऑपरेट किया तभी हमें ये कमेंट मिले थे और ये कंट्रोलर का ही प्रयास था कि भीड़ ना हो और उसको नियंत्रित किया जाए। इतने अच्छे प्रयासों के बावजूद भी अगर कैंपस के बाहर किसी भी वजह से, किसी भी बंदे की वजह से कोई स्लिप मिल रही है तो उसके लिए कंट्रोलर जिम्मेवार नहीं हो सकता। और दूसरी बात, बोर्ड फ्लाइंग को बाहर पर्चियां मिली हैं, वो उन पर्चियों को खुद अंदर लेकर आई है और अंदर भी लेकर आए हैं तो वो ऑफिस में लेकर आए हैं, इसमें कंट्रोलर का क्या रोल हो सकता है? अगर पर्चियां हैं तो वो कहाँ यूज होंगी? वो सेंटर में यूज होंगी, उन्हें सेंटर सुपरिंटेंडेंट, ऑब्जर्वर, इन सब के पास जाना चाहिए था, ऑफिस में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी और हमारे स्टाफ की किसी भी तरह से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुद्दा परिसर से बाहर का था तो वो परिसर के बाहर ही सुलझाना चाहिए था, वो परिसर के अंदर तो लाना ही नहीं चाहिए था। अब इसमें तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो बाहर पर्चियाँ थी उनको जानबूझकर अंदर लाया गया, इस मुद्दे को एक तरह से ज़बरदस्ती बनाया गया और इसमें हमें शामिल किया गया। मैं इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे मैंने SHO साहब को 16 मार्च को भी लेटर लिखा, फिर मैंने रिमाइंडर भेजे इसके लिए, आप देख सकते हैं, फिर इसका रिमाइंडर भेजा मैंने SDM साहब को लेटर लिखा कि हमारे यहाँ शांतिपूर्ण परीक्षा हो जानी चाहिए। इतने सारे प्रयास हमने किए और हमें सहयोग भी काफ़ी मिला पुलिस की तरफ से, इतना अच्छा हमारा सेंटर चल रहा था और इस घटना के बाद भी यहाँ सेंटर पर पेपर हुए हैं, मतलब सेंटर को तोड़ा नहीं गया है, तो ये भी तो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर नकल नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। CCTV फुटेज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत अच्छे से आपको बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में बंदर आते हैं, ये तो आप खरखोदा के किसी भी रहने वाले से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कितना बंदरों का हाल है, बुरी तरह से, किसी न किसी वजह से रोज लाइट खराब होती है या कैमरेज जैसे बाहर भी लगे हुए हैं, 8-9 कैमराज हैं यहाँ पर बाहर लगे हुए हैं, उनकी तार वगैरह वो ब्रेकअप कर देते हैं। और हमारे यहाँ मेरे ये स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही जितने भी DDOs थे उन्होंने एक कंप्यूटर मैकेनिक को हायर कर रखा था, मैंने तो जस्ट उसको कंटिन्यू किया था। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी मैंने अपने स्टाफ को स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखे थे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो आप ये ठीक करवा लेंगे, उसमें मेरी सहमति की ज़रूरत नहीं होती थी। कंप्यूटर ख़राब है तो कंप्यूटर मैकेनिक को बुला लिया जाता था, रूटीन में बंदर आते थे और ये कैमरे ख़राब करते थे तो मैंने कह रखा था आप इनको ठीक रखेंगे, कोई भी ये मैसेज कर सकता था, इसके लिए प्रिंसिपल ही मैसेज करे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। और इसी वजह से क्या था कि हमारा कोई भी काम पेंडिंग में नहीं रहता है, कोई भी डाक वगैरह कोई भी चीज़ हमारे यहाँ से पेंडिंग में नहीं रहती है, तो ये रूटीन वर्क था, वो आया और इसको ठीक करके चला गया और हम तो थे भी नहीं जब कंप्यूटर मैकेनिक आया था। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है तो इसमें रिट्रीव हो जाती है चीज़ें, रिकवर हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, रिकवर करवाइए, चेक करवाइए और उसके बाद आप जांच कीजिए, हम जांच में पूरा सहयोग दे रहे हैं, किसी भी वजह से ऐसे योग की हमारी कोई भावना नहीं है। और नकल करवाना ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते, अगर हमारी नकल करवाने की कोई दुर्भावना हमारे मन में होती तो जैसे 16 मार्च को हमने कैमरे ठीक करवाए, SHO साहब को लिखा, SDM साहब को लिखा, हम इतने सारे प्रयास भी करते, तो मैं ये कहना चाहूँगी और जांच में पूरा सहयोग देना चाहूँगी और इस जांच में जो भी निष्पक्ष निर्णय होगा उसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं। और इसके लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी SHO साहब ने बहुत कोऑपरेट किया, डेली हमारे यहाँ काफ़ी फोर्स आती थी और सिर्फ उन्हीं की वजह से इतना शांतिपूर्ण हमारा ये सेंटर भी चल रहा था, इतने अच्छे हमें बोर्ड फ्लाइंग से कमेंट मिल रहे थे। अगर ऐसा माहौल यहाँ होता, आप बोर्ड की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, इन्विजिलेटर रिपोर्ट होती है, उसको आप चेक कर सकते हैं,
पीसफुल ओपनिंग, पीसफुल क्लोजिंग, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि हमारा स्कूल, हमारा सेंटर इतने अच्छे तरीके से हमने मैनेज कर रखा था, पुलिस का इतना बढ़िया सहयोग था। तो जो भी बातें आप देख रहे हैं उसके लिए जांच हो रही है और हम उसमें पूरा सहयोग हैं। यहाँ पर मैं एक अपील और करना चाहूँगी कि ये जो डेटा की बात चल रही है इसको जल्दी से रिकवर करवा के जाँच में सहयोग किया जाए। और हमें भी काफ़ी मानसिक प्रताड़ना हो रही है, हमें भी पता चलना चाहिए कि इसका सच क्या है। तो मेरी ये अपील है इस मुद्दे को, इस डेटा से संबंधित जो भी बात है इसको रिकवर करा के, रिट्री करवा कर इसको जल्दी से मामले को सुलझाया जाए। बहुत मानसिक प्रताड़ना हम झेल रहे हैं इस वजह से। सर मैं आपको बताना चाहूँगी, 20 अप्रैल 2022 को जो ये घटना हुई थी इस दिन तो हमारे स्कूल के बच्चों का एग्ज़ाम ही नहीं था, तो इसमें तो हम किसी भी तरह से शामिल होने का प्रश्न ही। मानसिक प्रताड़ना इसलिए हो रही है कि हमारा नकल से कोई दूर दूर का भी रिश्ता नहीं था। इतने सारे प्रयास हमने किए तो मैं कहना चाहूँगी कि ये सब हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं थी हमारे। पेपर में एक लीक मामले में मेरे पास, जैसे उन्होंने कैमरे ठीक करवाने के लिए बुलाया था, जैसे कुछ दिन पहले भी बोल रखा था उन्होंने कभी कैमरे ठीक कर कुछ चल नहीं रहे हैं, उससे पहले भी मेरे पास उनका कॉन्ट्रैक्ट है स्कूल का, तो मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे। जैसे पहले भी ठीक करने गया था तो उस दिन मैं तो सवेरे, उससे एक दिन पहले भी कॉल आई थी मेरे पास, तो मैं सवेरे मैं गया तो वहाँ पर कोई नहीं था, एक मैडम थी कोई दूसरी और एक वो पीएन था वहाँ पर, और मैं अपना काम करके वहाँ पर आ गया उनको नए सिरे से चालू करके। मुझे इस बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना मेरे से कुछ और कहा किसी ने कुछ, ऐसा थी वो वहाँ पे मैडम नहीं थी वहाँ पे सवेरे। तो मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ वहाँ पे स्कूल में। लास्ट टाइम मैंने 8-9 तारीख के करीब पहले भी ठीक किए हैं और 12 तारीख के मेरे पास बिल भी लगे हुए हैं। 12 तारीख को मेरे को बिल मिला था, उसका पेमेंट भी हुई है मेरी, जैसे रिपेयरिंग का, उसमें मैंने प्रिंटर भी रिपेयर कर रखा था, कंप्यूटर भी रिपेयर कर रखा था, टोनर भी हुए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर बोर्ड वाले चाहेंगे तो वो हार्ड डिस्क रिकवर भी हो सकती है, उसमें डाटा वैसे के वैसे मिल सकता हुआ एपिस उनको। अगर ऐसी कोई वो भावना होती तो उसको मैं बंद भी करके आ सकता था। ऐसे इसमें सिर्फ मेरे को रीसेट करने के लिए, जैसे ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला, बोला नए सिरे से चालू करने हैं। नए सिरे का मतलब ये होता है कि एक बार इनको रिकवर करके दोबारा सबको चालू कर दो इनको। जैसे वहाँ पे आप कोई पता, खरखोदा में बंदरों का इतना अंतर है, वो तार सारी ओपन पड़ी हुई है वहाँ पे, और बंदर हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई वायर तोड़ते रहते हैं, तो रिपेयर के लिए मेरे को बुलाते रहते हैं वहाँ पे। कभी कोई तार टूट गई, कभी कोई तार, उस दिन भी 2-4 कैमरे बंद पड़े थे, तो वो उनको मैं चालू कर रहा था। एक कैमरा अभी भी बंद पड़ा है वहाँ पे क्योंकि उसकी तार बंदरों ने खा रखी है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल डांस अकेडमी व स्पोर्ट्स अकेडमी, आर्चरी, बॉक्सिंग, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ORI-1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के ट्यूलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।